हेलो दोस्तों, आज का जो सबकी जा क्रिकेट लीग T20 का जो मैच रहने वाला है, मिस एनेक रीजन वर्सेस स्पिन घर रीजन के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है। इस मैच के बारे में दोस्तों, यहाँ पे हम A to Z प्लेयर्स का रिकॉर्ड कवर करेंगे। हो सकता है दोस्तों कोई भी प्लेयर इस मैच के अंदर खेल सकता है, लेकिन कोई भी खेले हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम A to Z प्लेयर्स का रिकॉर्ड ही यहाँ पे कवर कर लेंगे दोस्तों, तो ड्रीम इलेवन टीम बनाने में आपको थोड़ा सा बहुत हेल्प हो जाएगा। और दोस्तों, इनका जो रिसेंटली लास्ट मैच जो रहा है उसका रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उस मैच के अंदर क्या कुछ बैटिंग लाइनअप रही थी, कौन सा बैट्समैन कहाँ पे खेल रहा था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले इनका जो रिकॉर्ड रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में ही हम यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीमें क्रिएट करने वाले हैं। लास्ट मैच की बात करें दोस्तों, मिस एनक नाइट्स के बीच का ये मैच रहा था। इस लास्ट मैच जो वार्म अप मैच रहा था उसका जो बैटिंग लाइनअप रहा था दोस्तों, रियाज हसन ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग की थी, और ये दोस्तों प्रॉपर ओपनर रहने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर मोहम्मद सादात नहीं खेले दोस्तों, उसकी जगह यहाँ पे रियाज हसन ने और सादिक अतल ने ओपनिंग की थी। दोनों के दोनों ही अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। रियाज हसन ने 2 रन बनाए थे लास्ट मैच में। सादिक अतल के बारे में बात करें दोस्तों, इन्होंने 9 रन बनाए थे। ईशान कटवाजी के बारे में बात करें दोस्तों, इन्होंने भी 8 रन बनाए थे लास्ट मैच के अंदर। असगर अफगान ने 42 रन की पारी खेली थी। गुलबदीन नाइब की बात करें दोस्तों, 53 रन इन्होंने बनाए थे, नाबाद रहे थे और एक विकेट भी इन्होंने चटकाया था। अलानूर नसेरी की बात करें दोस्तों, ये 5 रन इन्होंने नाबाद बनाए थे लास्ट मैच के अंदर। नंगलाई खान के बारे में बात करें दोस्तों, 19 रन इन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर बनाए थे। अमीर आजमाउत के बारे में देखें दोस्तों, 2 रन इन्होंने बनाए थे, बॉलिंग भी की थी और कोई विकेट इनके हाथ में नहीं लगा था। मोहम्मद हमकार के बारे में देखें दोस्तों, 0 विकेट इनके नाम रहे थे, इन्होंने भी पूरे 3-4 ओवर लास्ट मैच के अंदर करे थे। बिलाल शामी के बारे में देखें दोस्तों, इनके नाम 1 विकेट रहा था। वहीं पर जाहिर खान के भी नाम भी 1 विकेट लास्ट मैच के अंदर जो वार्म अप मैच रहा था उसके अंदर इनके नाम में रहा था। दोस्तों, इस मैच की जो लाइकली प्लेइंग इलेवन रहने वाली है उसके बारे में देखें दोस्तों, तो लास्ट मैच के अंदर दोस्तों मोहम्मद सादात खेले नहीं थे, तो हो सकता है मोहम्मद सादात अगर नहीं खेलते दोस्तों तो यहाँ पर आपको रियाज हसन और सादिक अतल ओपनिंग करने वाले यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। रियाज हसन का रिकॉर्ड देखें दोस्तों, 28 मैच के अंदर 857 रन, और कभी कभी ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, 14 विकेट भी इनके नाम रहे, ओपनिंग ये करने वाले हैं। मोहम्मद सादात के बारे में बात करें दोस्तों, 18 मैच के अंदर 550 रन इनके नाम रहे हैं। सादिक अतल ने 21 मैच के अंदर 504 रन अभी तक बनाए हुए हैं। असगर अफगान आपको नंबर 4 के ऊपर ही खेलने वाले हैं, 25 मैच के अंदर 716 रन T20 के अंदर अभी तक ये बना चुके हैं। गुलबुद्दीन नाइब के बारे में दोस्तों, ये ऑलराउंडर रहने वाले हैं, ये आपको बॉलिंग के पूरे 4 ओवर करके देने वाले हैं। 7 में नंबर 5 के ऊपर ये खेलने वाले हैं। 23 मैच के अंदर 402 रन, 21 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। नंगलाई खान जो कि जिनका ड्रीम इलेवन के अंदर नाम रहने वाला दोस्तों, एन खरोटे, इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, एन खरोटे, 21 मैच के अंदर 198 रन, 39 विकेट इनके नाम रहे हैं। जो कि आपको एन खान के नाम से मैंने आपको बताया दोस्तों, वो एन खरोटे रहने वाले हैं ड्रीम इलेवन टीम के अंदर। अमीर हाजमा ओतक के बारे में देखें दोस्तों, ड्रीम इलेवन के अंदर अमीर हाजमा नाम से मिलेंगे आपको, जो 27 मैच के अंदर 515 रन और 25 विकेट इनके नाम रहे हैं। ये एज ए ऑलराउंडर भी खेल सकते हैं दोस्तों इस मैच के अंदर। बिलाल शामी ने 15 मैच में 20 विकेट निकाले हैं। जाहिर खान की बात है, 10 मैच के अंदर 10 विकेट इनके नाम रहे हैं। शामी उल्ला तोता खेल ने दोस्तों 8 मैच के अंदर 10 विकेट अभी तक निकाले हुए हैं। बख्तार अत्तल की बात करें दोस्तों, 20 मैच के अंदर 12 मैच के अंदर अभी तक ये 20 विकेट निकाल चुके हैं T20 के अंदर। लास्ट मैच के अंदर भी ये खेले थे दोस्तों, जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसके अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले दोस्तों, उनके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउर नसेरी की बात करें दोस्तों, तो ये भी ओपनर रहने वाले हैं। मोहम्मद सादात अगर नहीं खेलते तो आप इनकी जगह ओपनर ये भी खेल सकते हैं। 46 मैच के अंदर 1512 रन इन्होंने T20 के अंदर बनाए हुए हैं। खालिद जैदी के बारे में बात करें दोस्तों, ये टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर खेलते हैं, टॉप 4 के अंदर ये खेलने वाले हैं। अगर ये खेलते हैं तो 6 मैच के अंदर 164 रन अभी तक ये बना चुके हैं। फैजल के बारे में बात करें दोस्तों, 16 मैच के अंदर 210 रन, 18 विकेट ये निकाल चुके हैं। खलील अहमद ने 4 मैच में 5 विकेट निकाले। ईशान कटावजी 1 मैच के अंदर 8 रन मात्र इनके नाम रहे। लास्ट ये प्रैक्टिस मैच भी ये खेले थे। मोहम्मद हमखार ने 9 मैच में 6 विकेट निकाले। राशिद तोता खेल ने 5 मैच के अंदर 188 रन अभी तक बनाए हुए हैं। तारिक स्टकनजाई के बारे में बात करें दोस्तों, 22 मैच के अंदर 357 रन और 20 विकेट इनके नाम रहे हैं। दोस्तों, अगर स्पिन गर टाइगर्स का अगर रिकॉर्ड देखें तो लास्ट मैच जो वार्म अप मैच रहा था उसके अंदर इन्होंने विन किया था मैच। उस्मान गनी 200 रिटायर हुए थे लास्ट मैच के अंदर, 52 रन इन्होंने बनाए थे, ओपनिंग की थी। लेकिन दोस्तों, ये नंबर 3-4 के ऊपर भी खेलते हैं उस्मान गनी, अगर हो सकता है इस मैच के अंदर ओपनिंग भी कर सकते हैं। बाहर वाली ऑलराउंडर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे दोस्तों, बॉलिंग ये करने वाले हैं नहीं। ओपनिंग लास्ट मैच के अंदर की थी, 50 इन्होंने लगाई थी।
तमीम के बारे में देखें तो 41 मैच उन्होंने बनाए थे लास्ट मैच के अंदर, रिटायर ये भी रहे थे। नाजिबुल्ला जार्डन ने 25 रन बनाए थे। सखावत जार्डन के बारे में देखें, 15 रन इन्होंने बनाए थे। मोहम्मद इश्क ने 7 रन बनाए थे। सरफुद्दीन अशरफ ने 204 ओवर किए थे, 70 रन इन्होंने खर्च किए थे और 2 विकेट इनके नाम रहे थे। बतिन शाह की बात बात करें दोस्तों, 1 विकेट इनके नाम रहा था। फरीद मलिक ने 1 विकेट निकाला था। यामीन अहमद जाई ने कोई विकेट नहीं मिला था। आई नवीद के बारे में बात करें दोस्तों, इनके नाम भी कोई विकेट लास्ट मैच के अंदर नहीं रहा था। इनके जो लास्टली प्लेइंग 11 रहने वाले दोस्तों, उस्मान गानी ओपनिंग करने वाले हैं। 20 मैच के अंदर 781 रन इनके नाम रहे हैं। बहार अली ने 26 मैच के अंदर 634 रन बनाए हैं। तमीम सक्रोड़ी के बारे में बात करें दोस्तों, 37 मैच के अंदर 1327 रन अभी तक ये बना चुके हैं। नाजीबुल्लाह जार्डन नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे, 19 मैच के अंदर 522 रन इनके नाम रहे हैं। सखावत जार्डन का बात करें दोस्तों, 35 मैच के अंदर 832 रन इनके नाम रहे हैं। मोहम्मद इश्क ने 23 मैच के अंदर 575 रन बनाए हैं। सरफुद्दीन अशरफ 22 मैच के अंदर 354 रन और 38 विकेट इनके नाम रहे हैं। बतिन शाह की बात करें, 17 मैच के अंदर 282 रन, 24 विकेट ये निकाल चुके हैं। फरीद मलिक ने 26 मैच में 22 विकेट निकाले हैं। यामीन अहमद जाई ने 19 मैच में 22 विकेट निकाले हैं। वहीं पर आई नवीद के बारे में बात करें दोस्तों, 14 मैच के अंदर 13 विकेट इनके नाम रहे हैं। बाकी इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले दोस्तों, इनका रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर इनमें से कोई भी प्लेयर अवेलेबल रहता है तो आप इनको भी यहाँ पर पिक कर सकते हैं। ज़्यादातर ये ऑलराउंडर्स ही रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों इनकी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट मैच की जो बैटिंग लाइनअप रही थी, मोहम्मद सदादात दोस्तों उस मैच के अंदर खेले नहीं थे, हो सकता है इस मैच के अंदर भी ना खेले। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन रहने वाला है आई रहीमी। इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है दोस्तों अभी तक, बाकी ये बहुत ज़्यादा लो ऑर्डर के अंदर भी खेलते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे मोहम्मद सदादात को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। बैट्समैन की बात करें दोस्तों, नाजीबुल्लाह जार्डन आपको नंबर 3 या 4 के ऊपर ये खेलने वाले हैं। इनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा रहा है और T20 इंटरनेशनल का भी रिकॉर्ड इनके पास अच्छा खासा अभी तक रहा है। अटैकिंग प्लेयर रहने वाले दोस्तों, अगर इनका रिकॉर्ड देखें, 19 मैच के अंदर 522 रन अभी तक डोमेस्टिक T20 के अंदर ये बना चुके हैं। असगर अफगान की बात करें दोस्तों, ये भी नंबर 4-5 के ऊपर खेलते हैं। 25 मैच के अंदर 716 रन अभी तक ये बना चुके हैं। उस्मान गानी ओपनिंग करने वाले दोस्तों अटैकिंग प्लेयर रहने वाले हैं। 20 मैच के अंदर 781 रन अभी तक ये बना चुके हैं। 40 की एवरेज इनकी रहती है दोस्तों। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ की प्लेयर रहने वाले हैं। अगर इनका रिकॉर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों RA नूर की दोस्तों बात करें, ये भी ओपनर रहने वाले हैं। अगर ये खेलते हैं तो ये भी ओपनिंग ही करने वाले हैं, इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। रियाज हसन के बारे में बात करें दोस्तों, ये भी ओपनर रहने वाले हैं। अगर जो ऊपर वाले की प्लेयर्स रहने वाले हैं उनके अंदर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो आप इनको भी यहाँ पर पिक कर सकते हैं। 28 मैच के अंदर 857 रन इनके नाम रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इनको भी पिक कर सकते हैं। एस अथल के बारे में बात करें दोस्तों, ये नंबर 3 या 4 के ऊपर खेलते हैं। 21 मैच के अंदर 504 रन अभी तक ये बना चुके हैं। ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें दोस्तों, गुलाबुद्दीन नबीद नाइब के बारे में बात करें, ये आपको 5 नंबर के ऊपर खेलेंगे। पूरे 4 ओवर करने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर 50 भी इन्होंने लगाई थी। बी अली के बारे में बात करें दोस्तों, बहार अली ये दोस्तों ऑलराउंडर नहीं है, ये ओनली बैट्समैन ही रहने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग की थी और ओपनिंग करते हुए दोस्तों 50 इन्होंने लगाई थी लास्ट मैच के अंदर। हो सकता है इस मैच के अंदर भी आपको ये ओपनिंग करते हुए मिल सकते हैं, बाकी ये बॉलिंग नहीं करने वाले। सरफुद्दीन अशरफ की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर वार्म अप मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। अगर इनका रिकॉर्ड देखें, 22 मैच के अंदर 354 रन और 38 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। टी स्टकनजाई की बारे में बात करें दोस्तों, इतना अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर देखें दोस्तों, इनका T20 रिकॉर्ड पूरा का पूरा ही जो दूसरे प्लेयर्स रहने वाले दोस्तों उनके कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ पे वीकली रहने वाला, तो इनको फिलहाल मैं यहाँ पे पिक नहीं करने वाला हूँ। इनका रिकॉर्ड भी दोस्तों मैंने आपको रिकॉर्ड पूरे के पूरे सभी प्लेयर्स के दिखाए हुए हैं, तो उनके अंदर आप इनका चेक कर सकते हैं। इतना अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पर एन खोरात के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी दोस्तों अच्छे प्लेयर यहाँ पे रहने वाले हैं। 27 मैच के अंदर 39 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। पूरे के पूरे 4 ओवर ये करके देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आमिर आजमान को मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। आमिर आजमान दोस्तों आपको पूरे 4 ओवर करके देने वाले हैं। 27 मैच के अंदर 25 विकेट इनके नाम रहे हैं। जाहिर खान की बात करें दोस्तों, 10 मैच के अंदर 10 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। फिलहाल मैं इनको यहाँ पे पिक नहीं करने वाला। एफ़ मलिक के बारे में बात करें तो फरीद मलिक की, जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा रहा है, 26 मैच के अंदर 22 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। भाई यहाँ पे दोस्तों, भाई अहमद जाई को मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ। 19 मैच के अंदर 22 विकेट ये निकाल चुके हैं। हालांकि ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं तो आप इनके लिए साथ में जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने 20 को यहाँ पे पिक किया है। इनका रिकॉर्ड दूसरे प्लेयर्स के साथ में कंपेयर करें तो अच्छा रहा है। 17 मैच के अंदर 282 रन और 24 विकेट इनके नाम रहे हैं। एज ए ऑलराउंडर ये खेलने वाले हैं दोस्तों। अगर इन तीनों प्लेयर्स में कोई अगर अनअवेलेबल रहता है तो आप यहाँ पर जाहिर खान को भी यहाँ पर पिक कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखें तो उस्मान गानी बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहने वाली है। T20 के अंदर 40 प्लस की एवरेज इनकी रहने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाली है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। मोहम्मद सदाद के ऊपर थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, अगर ये खेलते तो आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। कुलबुद्दीन नाइब दोस्तों 4 ओवर आपको करके देने वाले हैं, साथ में एज ऑलराउंडर ये खेलने वाले हैं। असगर अफगान या फिर नजीबुल्लाह गार्डन में से भी आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।